संभाल का भापरा रोड के सामने अंडरपास का काम शुरू। 2.5 से 3 महीने में बनकर तैयार होगा अंडरपास। दरअसल संभाल का भापरा रोड के सामने NH-44 अंडरपास का काम शुरू हो गया है। आपको बता दें कि करोड़ों रुपए की लागत से मुरथल से शिवा के बीच 32 किलोमीटर के दायरे में 7 अंडरपास और 5 ओवरब्रिज बनेंगे, जिसकी जानकारी देते हुए जंक्शन कंपनी के प्रोजेक्ट हेड कमल धवन ने बताया कि हथवाला रोड के सामने अंडरपास का काम पहले ही शुरू हो चुका है और अब भापरा रोड के सामने वाले अंडरपास का काम शुरू कर दिया गया है। दोनों अंडरपास का काम 2.5 से 3 महीने में पूरा कर दिया जाएगा। धवन ने बताया कि दोनों अंडरपास बनने से नई अनाज मंडी, पुराना थाना रोड, बिहोली रोड, सब्जी मंडी और हथवाला रोड से आने जाने वाले लोगों को इन दोनों पुलों से सुविधा मिलेगी और गलत दिशा में नहीं जाना पड़ेगा। से लेकर पानीपत तक जहाँ तक कनेक्शन होना है, क्या कुछ बनना है और कितने करोड़ की लागत है और ये कब तक ये काम पूरा होना है? ये तो हमारा टारगेट है काम का, हमको 15 महीने का टारगेट मिला है। June 8 को हमारा ये इसका डेट एग्रीमेंट साइन हुआ था, इससे 15 महीने है हमारा, लेकिन हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि इससे पहले 1 अप्रैल-मई तक हम इसको पहले कंप्लीट करें, हमारा अक्टूबर तक ना जाए। और इसमें इसकी लागत लगभग हमारी जो है 1000 करोड़ है, जिसमें कि हमको सारा कुछ बनाना है, मतलब कि आपको रोड वाइंडिंग, जितने स्ट्रक्चर हैं, पूरे फ्लाईओवर, अंडरपास वगैरह हैं, सब हमको बनाना है नई तरीके से। सर कितने अंडरपास और कितने फ्लाईओवर हैं वहाँ से? इसमें टोटल हमारे अगर हम बात करें तो 43 स्ट्रक्चर हैं, जिसमें 43 फ्लाईओवर और जो अंडरपास हैं जो मेजर हैं हमारे पास उतने हैं, बाकी जो कलवर्ट हैं दोनों मिला के 75 हमारे कलवर्ट हैं, जो बॉक्स कलवर्ट एंड पाइप कलवर्ट हैं, बाकी 43 स्ट्रक्चर हैं टोटल इसमें जो बनने हैं 43। कनेक्शन के दौरान हादसे ना हो, हादसे इसके लिए क्या कुछ किया? देखिए जो हादसे ना हो उसके लिए आप देखा, आपने देखा होगा साइड पे कि हम लोग जो भी जो सेफ्टी रिक्वायरमेंट है, जैसे कि हमको क्रैश बैरियर लगाना है, लाइटिंग लगाना है, डाइवर्सन देना है, वो हमने बिल्कुल एज पर जो कोड रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमने पूरा उसको फुलफिल किया है। तो जितना भी हो सके हमारा डे नाइट में आदमी, हमारी टीम है, सुपरविजन है, सब आदमी पूरी व्यस्त करती रहती है, जहाँ जहाँ हमारा कोई अगर इशू होता है कोई ट्रैफिक का या इसका, हम उसको मेंटेन करते हैं। अगर कोई पानी आ गया, जब भी अभी हमको कॉन्ट्रैक्ट अभी मिला है बारिश से पहले, तो इसका भी ड्रेनेज सिस्टम भी अभी हमको बनाने में थोड़ा 4-5 महीने लगेंगे, फिर भी हम लोग कोशिश ये होती है कि हमको 4-5 घंटे में जहाँ भी पानी आपका ब्लॉकेज है उसको पंप से या टैंकर लगा के हम उसको निकाल के सड़क दे सकते हैं, तो वही लोगों को जाम की स्थिति से भी निजात मिलेगा। संभालका सीसीटी तहलका के लिए रतनलाल की रिपोर्ट।